हेलो, गुड म॑र्निंग दोस्तों। 16 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, इसी के साथ दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम 15 जुलाई और 16 जुलाई की दोनों की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज है वो है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है वो कल हो गया था, तो उसी को लेके अब यूपीएससी हमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती है, तो उसके बारे में हम जो जान लेते हैं जो चीजें हमें यहाँ पे जाननी है। देखो, फीफा का जो फाइनल किस किसके बीच में हुआ था पहले तो वो बताना चाहिए। तो फीफा का जो फाइनल था वो हुआ था फ्रांस और क्रोटिया के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है कि क्रोटिया एक कंट्री है, उसके बीच में और फ्रांस के बीच में फीफा का फाइनल है वो हुआ था। फ्रांस इसमें जीत गया है, तो ये चीज़ एक तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, हमारे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको पता है कि फीफा हर साल चाल में आयोजित है वो किया जाता है। ये अब लोकेशन देखते हैं दोनों कंट्रीज की। देखो, फ्रांस के लोकेशन आपको पता है कि यहाँ पे फ्रांस के लोकेशन है, एक साइड इसके मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, और एक साइड इट के यहाँ पे देखोगे तो अटलांटिक ओशियन है। चलो, आप ये बताइए कि फ्रांस और लंदन, आप मतलब यूके को कौन यहाँ पे डिवाइड करता है? इस चैनल का नाम क्या, आपको इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस और एक्चुअली यूके को कौन सा चैनल डिवाइड है वो करता है। इसके साथ यहाँ पे आपको बताना है कि जूट पेनिनसुला कौन सा है। जूट पेनिनसुला यहाँ पे यूरोप में है, मैपिंग हमने पहले डिस्कस भी किया था, तो आपको बताना है कि जूट पेनिनसुला यहाँ पे कौन सी जगह है उसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ ही आपको बताना है कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है, बाल्टिक कंट्रीज के बारे में आपको नाम बताना है कि कौन कौन सी बाल्टिक कंट्री में शामिल है। अब देखते हैं आगे। ये तो हमने देखी यहाँ पे फ्रांस की लोकेशन, एक साइड देखोगे आप तो यहाँ पे स्पेन है, और स्पेन और फ्रांस को कौन सा माउंटेन है वो अलग करता है, क्योंकि इसके बारे में भी हमने काफी बार डिस्कस किया है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज आपके लिए यूरोप बेस्ड काफी जो मैपिंग क्वेश्चन है वो यहाँ पे तैयार है, वो हो गए हैं। अब बात करें दूसरी कंट्री की, दूसरी कंट्री जो फाइनल में थी वो थी करोटिया। तो करोटिया की लोकेशन आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये इस शेप में यहाँ पे करोटिया की लोकेशन है, ये रही यहाँ पे ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे है। तो जो कंट्री न्यूज में होती है उसके बारे में बेसिकली यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन वगैरह पूछ लेती है। यहाँ पे एक साइड देख सकते हो आप हंगरी है, तो हंगरी के जस्ट नीचे साउथ में ऑस्ट्रिया के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये करोटिया कंट्री है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मेडिटेरियन सी को फेस करती है, लैंड लॉक कंट्री वगैरह नहीं है, इसलिए दो तीन जो बेसिक चीजें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। एक साइड इसके सर्बिया है, एक साइड हंगरी है, एक साइड ऑस्ट्रिया है, एक साइड मेडिटेरियन सी है। तो लोकेशन हमने यहाँ पे इसकी देख ली है, यहाँ पे फ्रांस है हमने देखा। अब दूसरी बात ये होती है कि फीफा जो वर्ल्ड कप था ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था इस बार रशिया के द्वारा होस्ट वो किया गया था। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि रशिया ने फीफा को होस्ट है वो किया है। तो बेसिकली यूपीएससी ये दो तीन चीज़ें पूछ सकती है। फ्रांस ने इस बार जीता है सेमीफाइनल में, सॉरी फाइनल में। इसके साथ दूसरी कंट्री थी वो यहाँ पे थी क्रोएशिया, और देखा जाए तो रशिया में इस बार ये हुआ था। अब आपको ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं। देखो, जो फाइनल होता है उसी के बारे में बेसिकली चीज़ें पूछी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो बताइए स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो ग्रामीण वाले एरिया है उसका सर्वे अभी किया जाना है, मतलब स्वच्छ सर्वे ग्रामीण एरिया का करना है अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो उसको लेकर 2018 की गाइडलाइंस वगैरह तय की गई हैं, और अभी सबसे अहम बात की कौन सी मिनिस्ट्री इस सर्वे को कंडक्ट करने वाली है, मतलब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है ग्रामीण एरिया के लिए उसको कौन कंडक्ट करेगा। तो उसको कंडक्ट करने वाली वो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री। पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। चलो, आप ये बताइए स्वच्छ भारत सर्वे है जो अर्बन एरिया में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब एक तरीके से इंप्लीमेंट है वो किया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो अर्बन एरिया के लिए किया जाता है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं आगे। देखो, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो ग्रामीण एरिया के लिए क्यों किया जा रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। रूरल एरिया के अंदर सफाई कैसी हो रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से देखी जाएगी, मतलब क्वालिटी तो ऐसे देखी जाएगी भाई कि सफाई पे फोकस कितना हो रहा है, कितनी अच्छी सी सफाई है वो रखी जा रही है, और क्वांटिटी का मतलब ये होगा कि कितना एरिया कवर हो रहा है, किस एरिया पे ज़्यादा फोकस वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से सर्वे है वो किया जाएगा, जिससे पता चले कि भाई गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान को कितना आगे लेके जा रही है, क्या क्या इसके बेनिफिट यहाँ पे हो रहे हैं। अब बात की जाए तो इसमें एक चीज़ ये भी होगी कि इसमें स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है उन दोनों को रैंकिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखो, स्टेट और बात करें डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग की, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में रैंकिंग प्रोवाइड करवाने का सीधा मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि सभी स्टेट्स हैं उनमें एक होड़ लग जाएगी कि यार इस बार उस स्टेट की पोजीशन अच्छी रही है तो हम कुछ अच्छा काम करेंगे ताकि हमारी हालत ऊपर आए, और जो स्टेट नीचे रहेंगी उनको और ज़्यादा शर्म आएगी कि यार हम तो बहुत नीचे रह गए, हमें कुछ ना कुछ तो काम करना होगा अदरवाइज हमारी किरकिरी हो सकती है, इसलिए वो अपने आप वहाँ पे काम करेंगे। और बात की जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी बेनिफिट यहाँ पे होगा, मतलब कंपटीशन तैयार हो जाएगा जिससे स्वच्छ भारत मिशन है उसको सफलता मिलने के काफ़ी चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए तो लगभग इसमें 6980 गाँव को इंक्लूड किया जा रहा है, इसके साथ ही
698 जिले हैं हमारे देश के, उनको बेसिकली इसमें काउंट आउट किया गया है। अब किस किस की हेल्प से सर्वे है वो किया जाएगा, इसमें स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ से सेक्टर हो गया या फिर बाजार हो गए, ऐसी चीजों को एक्चुअली फोकस किया जाएगा और उनके आधार पर सर्वे है वो तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और आती है, वो देखते हैं। देखो इसमें बात ये करते हैं कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में वेटेज कैसे कैसे है। ऐसा तो है नहीं कि सारा ही गवर्नमेंट है वो सर्वे कंडक्ट करने वाली है, सारा ही गवर्नमेंट जाके लोगों से पूछ पूछ के काम करेगी, ऐसा नहीं है। देखो इसमें तीन भाग फिर डिवाइड किए गए हैं, तीन कैटेगरी बनेगी है, उस आधार पर सर्वे को वेटेज है वो दिया जाएगा। जैसे कि हम बात करें हमारे एग्जाम में, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के मार्क्स के आधार पर हमें रिजल्ट टोटल स्कोर मिलता था, उसी तरीके से इसमें अलग अलग वेटेज है वो दिया गया है। जैसे होगा क्या, एक तो ये होगा कि 35% है वो तो पब्लिक रिस्पॉन्स देखेगी गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है उसके आधार पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट लोगों का फीडबैक लेगी कि हाँ भाई आप बताइए आपका सर्वे वगैरह यहाँ पे किस तरीके से काम वगैरह किया गया। तो 35% होगा उस सर्वे का वेटेज कि पब्लिक का उसकी क्या रिस्पॉन्स है, वो होगा 35% एक वेटेज। तो बात करें अगले 35% की, तो अगला 35% है वो यहाँ पे किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन है, वो खुद डाटा कलेक्ट करेगा, स्वच्छ भारत मिशन खुद डाटा कलेक्ट करने वाला है। और बात करें बचा हुआ 30, तो बचा हुआ तो 30% है वो डायरेक्ट सर्वे किया जाएगा, मतलब 30% पे तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत डायरेक्टली सर्वे होगा, बाकी में क्या होगा इनडायरेक्टली फीडबैक लिया जाएगा और जो डाटा वगैरह है उसको यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि 35% जो वेटेज है इसमें वो तो किया जाएगा कि लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि हाँ भाई आप बताइए कैसा काम वगैरह हुआ है। बात करेंगे अगले 35% की, तो अगला जो 35% है वो किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसके तहत डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि हाँ भाई कैसा क्या काम है। और बात करें जो बचा हुआ 30% है उसमें गवर्नमेंट है वो खुद सर्वे कंडक्ट करने वाली है, मतलब 30% पे ही डायरेक्ट सर्वे होने वाला है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। चलते हैं आगे अगली न्यूज पर। अगली जो न्यूज है वो आई है NCPCR के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है, पहली बात तो आती है कंटेक्स्ट ये है कि देखो आज के टाइम पे बच्चे स्कूल में क्या है काफी सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन पे काफी प्रेशर, एक तो ये होता है कि स्कूल वगैरह की क्या है फीस हाइक बढ़ा देते हैं तो इसलिए बच्चों को थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, पेरेंट्स भी कई बार उनको टॉर्चर कर देते हैं फीस के लिए कि आपकी इतनी फीस हो रही है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा TCC वगैरह से, तो बच्चों पे क्या हो रहा है प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी चीज को लेते हुए अभी NCPCR ने स्टेप उठाने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वगैरह पे यहाँ पे उन पर फोकस किया जा रहा है और जो फीस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बनाए जाने की बात है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या बोल सकते हो कि अनएडेड जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी करके फीस बढ़ाती हैं उस पर लगाम लगाने के लिए NCPCR ने अपनी रिकमेंडेशन या अपनी जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो जारी किए हैं, क्योंकि जब फीस वगैरह बढ़ती है तो बच्चे सुसाइड वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि भाई NCPCR है क्या, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ना, इसकी बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले देखो एक स्टेचुरी बॉडी है, ये हमें पता होना चाहिए, पार्लियामेंट का एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, मतलब गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, इसके तहत NCPCR का निर्माण है वो किया गया था। बात करें मिनिस्ट्री की, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है। और बात करें बच्चे की डेफिनेशन की, तो 0 से 18 साल तक के जो भी आप बोल सकते हो कि चाइल्ड हैं वो सारे ही चिल्ड्रन की लिस्ट में काउंट है वो होते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन में क्या है। जैसे बात करें हम जो गवर्नमेंट का एक अभियान चलाया गया था साक्षरता के लिए, उसमें आपको थोड़ा बता दूं कि राइट टू एजुकेशन की चलो बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अंदर जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो 6 से 14 साल है। तो ऐसे थोड़ा हमें पता होना चाहिए, कई बार यूपीएससी इन चीज़ों के बारे में भी पूछ लेती है, तो 2-3 जो फैक्ट होते हैं ना ऐसे वो थोड़ा हमें पता हो जाए। अब बात करें आगे, देखो NCPCR का काम क्या है, इसका बेसिकली काम यह है कि हमारे देश में कोई भी कानून बन रहा हो या फिर कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हो, कोई भी ऐसी पॉलिसी बन रही हो या फिर कोई भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हो रही हो जिससे चाइल्ड राइट का उल्लंघन हो रहा हो, मतलब कि कोई भी ऐसा काम हो रहा हो जिससे चाइल्ड राइट का वॉयलेशन हो रहा हो या उनके जो राय बच्चों के राइट्स हैं उनका हनन हो रहा हो, उस कंडीशन में NCPCR काम है वो करती है, मतलब बच्चों के राइट हैं चाइल्ड राइट हैं उनको इंश्योर करने के लिए इसका द्वारा काम हो किया जाता है। इसके साथ बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑन जो चाइल्ड राइट कन्वेंशन है उस पर भी यह फोकस है वो करती है, उसकी गाइडलाइंस को भी यह फॉलो करते हुए चलती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि UN की जो कन्वेंशन है चाइल्ड राइट को लेके उसके साथ ही बेसिकली काम करती है। काम इसका यही है कि हमारे देश में कोई भी कानून बन रहा हो, कोई भी पॉलिसी वगैरह बन रही हो या कोई भी और जगह काम हो रहा हो जिससे चाइल्ड राइट का हनन हो रहा हो, तो ये बॉडी उस सामने खड़ी होती है और उसके लिए जवाब आप बोल सकते हो कि उसको जो भी बच्चे की प्रोटेक्शन का इशू आता है उसको सॉल्व है वो किया जाता है। अब बात करें आगे, देखो एजुकेशन का इशू क्या चल रहा है, इशू देखो ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है वो स्टेट का है और स्टेट क्या करता है, स्टेट का ही काम होता है रेगुलेट करना, बट दिक्कत क्या आ रही है कि स्टेट इन स्कूल वगैरह को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, कुछ तो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं कुछ और भी रीजंस होते हैं।
इसीलिए क्या किया जा रहा है, एनसीपीसीआर ने डिसाइड किया है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी, जिसका काम ही होगा कि जो फीस को रेगुलेट करेगी कि अगर कोई भी स्कूल गाइडलाइन वगैरह को फॉलो नहीं कर रही है, अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा रही है, तो उस पर क्या होगा, उसकी जो इनकम होगी सालाना उसका 10% उसके वो फाइन है वो लगा दिया जाएगा। ये बेसिकली इसमें प्रावधान किया गया है। मतलब ये ध्यान रखना आपको कि एनसीपीसीआर ने गाइडलाइन जारी की है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी, जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल है उनको एक तरीके से आप बोल सकते हो काउंटर करने के लिए या उनकी मनमर्जी पे लगाम लगाने के लिए। तो ये न्यूज थी जो हमने यहाँ पे देखी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है सोशल मीडिया हब को लेके। तो देखते हैं, देखो कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय लिया है कि भाई सोशल मीडिया हब है उसका निर्माण किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को इसके लिए अवेयर है, वो किया है कि आप इसके लिए सोशल मीडिया हब है वो बनाइए। क्यों बनाइए? देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, काफी सारी एक तो फेक न्यूज फैल रही है, इसके साथ ही काफी सेंसिटिव मामले होते रहते हैं। कई बार काउ प्रोटेक्शन को लेकर भी फेक न्यूज वगैरह आप बोल सकते हो, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल मीडिया, फेसबुक हुई, व्हाट्सअप हुई, इस पे काफी कम्युनिज्म या बोल सकते हो कि सांप्रदायिकता के जो दंगे वगैरह फैलने के चांसेस होते हैं उनको कर्व करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को कि भाई आप जो ऑनलाइन डाटा हो रहा है ना इसको मॉनिटर कीजिए। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सोशल मीडिया हब में होगा ये कि गवर्नमेंट जगह जगह सेंटर लोगों को जिम्मेदारी दे रही है, यहाँ पे एक तरीके से स्टेट को जिम्मेदारी दे रही है बेसिकली कि भाई आप टीवी, लोकल न्यूज़पेपर या फिर आप बोल सकते हो लोकल मीडिया, इसके साथ ही लोकल जो टीवी केबल होती हैं, FM वगैरह होते हैं, चैनल वगैरह, इन चीज़ों को आपको कंट्रोल है, आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे फोकस है वो करना होगा। हर रीजनल लेवल पे इसके बेसिकली ऑफिस है वो बनाए जाएंगे ताकि कोई भी ऐसी किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि देखो हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है काफ़ी जो लोकल लैंग्वेज है उनके अंदर कोई भी न्यूज़ वगैरह स्प्रेड की जा रही हो व्हाट्सएप वगैरह में या फिर फेसबुक वगैरह में, ऐसी इंस्टाग्राम जो भी ऑनलाइन सोशल साइट्स हैं वगैरह, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि कोई भी ऐसा मीडियम ना हो कि भाई इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को उसके ऊपर जवाब देना पड़े कि यार उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। इसलिए जो टीवी हो गए, रेडियो वगैरह हो गया, लोकल मीडिया, लोकल टीवी, FM चैनल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक्चुअली यहाँ पे ट्रैक है या मॉनिटर है वो किया जाएगा ताकि इन पे कोई भी सेंसिटिव न्यूज़ जाए या कोई भी ऐसी न्यूज़ जिससे हिंसा फैल सकती है उसको कव किया जा सके, इसके लिए सोशल मीडिया हब है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें स्टेट को सर्विलेंस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि भाई वो सर्विलेंस निगरानी रखे, कोई भी ऐसी न्यूज़ अफवाह ना फैले जिससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को नुकसान है वो हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन है वो जारी की है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है मीरकाट के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है मीरकाट। मीरकाट है, देखो ये है एक सुपर रेडियो टेलीस्कोप, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। रिसेंटली भी इसकी बात है वो क्या आई है, न्यूज़ में आई है, तो हमें पता होना चाहिए कि मीरकाट है वो एक सुपर रेडियो टेलीस्कोप है जो कि साउथ अफ्रीका का एक जगह है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है कार्नोरवॉन टाउन, इस टाउन में बेसिकली इसको लगाया है वो गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि वे साउथ अफ्रीका के लोकेशन है कहाँ। जैसे बात करें हम ये मैली अफ्रीका की, तो अफ्रीका के जस्ट नीचे ही साउथ अफ्रीका कंट्री है और इसके अंदर ही आप देखोगे यहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है कार्नोरवॉन। तो देखो टाउन वगैरह का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आ गया तो अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तो कार्नोरवॉन टाउन में एक्चुअली सुपर रेडियो टेलीस्कोप है वो बनाई जा रही है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कहा जा रहा है कि सदर्न एमोस्फियर की है बिगेस्ट एक तरीके से रेडियो टेलीस्कोप है वो है। काम क्या होगा इसका, देखो इस रेडियो टेलीस्कोप का बेसिकली काम ये है कि हमारे स्पेस के अंदर आप बोल सकते हो या फिर यूनिवर्स है उसके अंदर काफ़ी सारे सीक्रेट हैं उनको सोल्व करना, या फिर जो काफ़ी गैलेक्सी हो गई, आकाशगंगा वगैरह हो गई, उनको सोल्व करना, काफ़ी जो ब्रह्मांड के रहस्य एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी रहस्य हैं उनको सोल्व करने में हमें काफ़ी हद तक मदद है वो मिलने वाली है, ये हमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे बात करें एक मिशन और है जिसका नाम है कैट मिशन। देखो इसका फुल फॉर्म क्या देखी थी अपने, देखी थी मीरकाट। तो इसके साथ ही एक पहले का एक मिशन और था जिसका नाम है काट KAT, जिसका नाम था कोनो एरे टेलीस्कोप। तो कोनो एरे जो टेलीस्कोप था उसी का आप बोल सकते हो कि एक फॉलो अप या इसी का एक बोल सकते हो कि बड़ा टाइप है मीरकाट मिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि काट भी क्या है, काट भी यहाँ पे आप बहुत से कह सकते हो कि एक टेलीस्कोप है जो कि साउथ अफ्रीका की एक जगह है जिसका नाम है कऊ उस डेजर्ट का, साउथ अफ्रीका में एक डेजर्ट है जिसका नाम है कऊ डेजर्ट, उस डेजर्ट में बेसिकली यह है। तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कि साउथ अफ्रीका में दोनों चीज़ें हैं कैट और मीरकाट, ये दोनों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, UPSC इनके बारे में पूछ सकती है। अब बात करें हम यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट है जिसका ही है एक हिस्सा है एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसका नाम है SKA, मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट। देखो स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट है क्या,
ये एक इंटरनेशनल अफोर्ड है, मतलब इसमें इंटरनेशनल कोलेब्रेशन होगा, काफी कंट्रीज मिलकर साथ आ रही हैं और उन सबका ऑल ओवर मोटो एक ही है कि भाई सबसे बड़ी जो रेडियो टेलीस्कोप है वो निर्माण की जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या सीन है कि जो स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट है उसके तहत ही मार्केट जो रेडियो टेलीस्कोप है उसका निर्माण किया गया है। कहाँ पे ये किया जा रहा है? साउथ अफ्रीका में। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। टाउन वगैरह का नाम कोई याद जरूरी हो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सदर्न एमिस्फीयर की सबसे बिगेस्ट होगी, कहा जा रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की भी सबसे बिगेस्ट है वो हो सकती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको सोल्व करना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक कै टेलीस्कोप और थी, उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो कि एक्चुअली वहां पे कऊ डेजर्ट के नाम पे उसका रखा गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इफेक्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके की रेडियो टेलीस्कोप है। चलते हैं अगली न्यूज पे। अगली जो न्यूज है वो आई है श्वेत अश्वा ड्रेस एक्सपेडिशन, इसके बारे में देख लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? देखो आपको एक चीज पता है कि कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम पे, तो जो भी सैनिक हमारे देश के शहीद हुए थे तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम प्रोग्राम है वो चलाया गया है मिलिट्री पुलिस के द्वारा। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो कारगिल वॉर में सैनिक शहीद हुए थे हमारे देश के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम है मिलिट्री पुलिस के द्वारा वो आयोजित की गई है, जिसका नाम है श्वेत अश्वा ड्रेस एक्सपेडिशन। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो देखो आज की डिस्कशन में इतना ही है। एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया फीफा 2018 के बारे में कि फ्रांस और कोरिएटो के बीच में हुआ था, मैपिंग हमने देख ली है, होस्ट रशिया के द्वारा इसको होस्ट है वो किया गया था। अब बात करें हम नेक्स्ट न्यूज थी, वो थी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 की, तो वो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, बेसिक फीचर्स हमने इसके डिस्कस कर लिए। अब बात करें हम NCPCR की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि एक अभी रिसेंटली उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ हमने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया हब, मतलब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक हब बनाने की जरूरत है। साथ ही हमने देखा कि मार्केट एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि साउथ अफ्रीका में बेसिकली बनाया जा रहा है। फिर लास्ट में हमने देखा था कि श्वेत अश्वा ड्रेस एक्सपेडिशन है वो एक्चुअली मिलिट्री की जो पुलिस है उसके द्वारा ही एक मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम प्रोग्राम है, जो कि हमारे देश के कारगिल वॉर के सैनिक थे उनके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। हम आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कल के लेक्चर से हम मैपिंग है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया था कि हमें एक्स्ट्रा चीजें साथ साथ वो डेली डिस्कस करेंगे, तो कल के लेक्चर से हम मैपिंग है वो स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग से धीरे धीरे क्या करेंगे, हम एक एक पहले तो कंटेंट को लेकर चलेंगे, फिर 2 या 3 दिन तक एक एक कॉन्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट मैपिंग हम यहाँ पे हमारी कवर है वो कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।